टाटा ग्रुप की पावर कंपनी टाटा पावर ने अपने ट्रांसमिशन बिजनेस को और बड़ा करने के लिए एक कदम उठाया है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक मूव के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया है। टाटा पावर ये एक्विजिशन पूरे 838 करोड़ रुपए में करेगी। चलिए वीडियो में जानते हैं पूरी डिटेल्स और इसे कंपनी को होने वाले फायदे और शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार टाटा पावर को REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी कि REC PDCL से जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। टाटा पावर ने कहा कि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 838 करोड़ रुपए है। बता दें कि REC PDCL सरकारी कंपनी REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है। जलपुरा खुर्जा ट्रांसमिशन लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV है। इसके साथ ही टाटा पावर के लिए ट्रांसमिशन बिजनेस और बड़ा होगा और कंपनी के लिए यह बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। BSE की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बूट बेसिस पर डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाने के बाद अगले 35 सालों तक यह ट्रांसमिशन सर्विस देगी। इसका कमर्शियल ऑपरेशन अगले 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। REC लिमिटेड की सब्सिडरी REC PDCL ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स और REC बंडलिंग प्रोजेक्ट के टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग यानी कि TBCB के लिए बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर BPC के रूप में कार्य कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत REC लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है। ऐसे में सोमवार को बाजार खुलने के बाद टाटा पावर के शेयर पर इस खबर का असर देखने को मिल सकता है। बता दें शुक्रवार को शेयर में 0.75% की गिरावट देखने को मिली और ये 376 रुपए पर क्लोज हुआ। 52 हफ्ते का हाई 412.90 रुपए है जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। एक हफ्ते में स्टॉक में 2% की गिरावट आई है, एक महीने में 8.8%, एक साल में 84.49% और 5 साल के लिए 460.36% का इसने अपने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। बता दें टाटा पावर ने हाल ही में अपनी दिसंबर तिमाही का रिजल्ट भी जारी किया है। 3% के सालाना ग्रोथ के साथ रेवेन्यू 14,841 करोड़ रुपए रहा। 15% उछाल के साथ एबिटा 3,250 करोड़ रुपए रहा। 2% उछाल के साथ नेट प्रॉफिट 1,076 करोड़ रुपए रहा। 31 दिसंबर 2023 के आधार पर कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 14,453 मेगावाट है। इसमें 8,860 मेगावाट थर्मल कैपेसिटी है। क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो 5,600 मेगावाट का है जो कुल क्षमता का 39% है। कंपनी पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों बिजनेस में है। प्रभुदास लीलाधर ने टाटा पावर पर बाय कॉल दी है और टारगेट प्राइस 432 रुपए दिया है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिस्तक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।